अगर हमें इनका शोषण और इन पे शासन करना है तो इनकी बुद्धि, शिक्षा, धन और संपत्ति के अधिकार से दूर रखना होगा। इनकी बुद्धि में हमें भगवान, डर, पाप, पुण्य, पूर्व जन्म, नरक, स्वर्ग, पुरखों के पाप, योनि का चक्कर, भाग्य, शुभ अशुभ, बुरी नजर, कुंडलिनी जागरण, तंत्र मंत्र यंत्र, ज्योतिष फल, झाड़ फूक, जादू टोना टोटका, ग्रह नक्षत्रों के चक्रों में ऐसा उलझाएंगे, ये सदा के लिए हमारे गुलाम तो होंगे ही, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधविश्वास में उलझी रहेंगी। वाह वाह गुरुजी वाह, आपकी महान बुद्धि को कुमार इंद्र का शत शत प्रणाम। लेकिन कुमार इंद्र, एक बात का ध्यान रहे, अगर हमें इनका शोषण और इन पे शासन करना है तो इनकी बुद्धि, शिक्षा, धन और संपत्ति के अधिकार से दूर रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, ऐसा ही होगा। और इन्हें उलझा कर रखना है धर्म कर्म कांड और अंधविश्वास में। जी गुरुजी। फिर देखना तुम, ये लोग गोबर, पत्थर, धन, अग्नि, सूरज, चांद, तारे, सांप को भगवान मान के कैसे पूजा में उलझते हैं। धन्य है गुरुजी, आप धन्य हैं। इनको मानसिक गुलाम बनाने के लिए सभी तरीके अपनाओ। साम, दाम, दंड, भेद। साम यानी समझा बुझा कर, दाम यानी के धन देकर, दंड कोई भी कठोर से कठोर दंड देकर, भेद यानी कि इनको कभी भी इकट्ठे मत होने देना, और इनकी शक्ति को कमजोर करना है, और इनसे घृणा करो, घृणा। हाँ, ऐसा ही होगा।